ई मैथ्स ट्यूटोरियल या यूट्यूब चैनल वर आपले सर्वांचे स्वागत। सो फ्रेंड्स, आज अपन या वीडियो मध्ये ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट मैथ्स डे 25th अभ्यासणार आहोत। अपन जर या चैनल वर नवीन असाल किंवा चैनल सब्सक्राइब केलं नसेल तर चैनल सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा। डे 25th सब यूनिट। टुडेज सब यूनिट इज रेक्टेंगल्स। लर्निंग आउटकम्स, वेरीफाय एंड अप्लाय द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। सो आज अपन या वीडियो मध्ये रेक्टेंगलच्या प्रॉपर्टीज लर्न करणार आहोत आणि त्याचा अपन त्या प्रॉपर्टीज अप्लाय कसे करतात ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत। लेट्स रिकॉल रेक्टेंगल। इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर राइट एंगल्स इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर राइट एंगल इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। सी हियर इन ट्रायंगल PQRS, सॉरी इन रेक्टेंगल PQRS, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इज 90 डिग्री, एंगल R इज 90 डिग्री एंड एंगल S इज 90 डिग्री। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, प्रत्येक कोण 90 डिग्रीज आहे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो सी हियर इन रेक्टेंगल PQRS, PQ कॉन्ग्रुएंट टू SR बिकॉज PQ एंड SR आर द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट QR कॉन्ग्रुएंट टू PS, QR एंड PS आर द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। सो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो हियर डायगोनल PR, डायगोनल QS आर कॉन्ग्रुएंट। सो PS इज इक्वल टू, सॉरी PR इज इक्वल टू QS। ओके, PR इज इक्वल टू QS बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बायसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बायसेक्ट ईच अदर। सी आर डायगोनल PR एंड डायगोनल QS बायसेक्ट एट पॉइंट टी, बायसेक्ट एट पॉइंट टी। सो बायसेक्ट ईच अदर, बायसेक्ट ईच अदर मीन्स हियर PT इज इक्वल टू TR, QT इज इक्वल टू TS। ओके, बायसेक्ट ईच अदर मीन्स T इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल PR एंड T इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल QS। ओके, नेक्स्ट सैम्पल एग्जाम्पल P is a midpoint of intersection of diagonals of rectangle ABCD. Okay, P is a midpoint of intersection. So P is a point of intersection of diagonal of rectangle ABCD. AB is equal to 8 centimeter. AB is equal to 8 centimeter. So DC kitna rahega? DC is equal to also 8 centimeter. Opposite side. Okay. BP is equal to 8.5. Then BD is equal to, BD kitna rahega? इसके डबल रहेगा बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट। सो BP इज इक्वल टू 8.5, PD इज इक्वल टू 8.5, 8.5 प्लस 8.5 कितना होता है 17। ओके, और 2 इंटू 8.5 इज इक्वल टू 17 अपन सॉल्व करणार आहोत खाली BC। ओके, नेक्स्ट सी हियर अपोजिट साइड्स
opposite sides of a rectangle are congruent, therefore AB is equal to DC is equal to 8 cm. See, AB is equal to DC is equal to 8 cm. Okay, next. Diagonals of rectangle bisect each other. So therefore, diagonal BD is equal to 2 into length BP. 2 into length BP, double rahega. Okay. So 2 into 8.5 is equal to 17 cm. So BD is equal to 17 cm. So next we have to find BC. We have to find BC. So in triangle BCD, in triangle BCD. So triangle BCD is a right angle triangle. So right angle triangle तो हम formula कौन सा apply करते हो? Which theorem? Pythagoras theorem. Okay. So अब हम याद करने Pythagoras theorem apply करना रहो. And Pythagoras theorem apply के अंदर अपन BC की value find करना रहो. So CD कितने 8 अपने ला BC find करें चाहे. So in right angle triangle formula का ये BD is equal to formula is hypotenuse square is equal to one side square plus other side. So BC square plus CD square. Okay. BC square plus CD square. So BC square is equal to BD minus CD. BC square is equal to BD minus CD. A CD A side left side आ गया तो क्या हो जाएगा minus हो जाएगा. So BD square माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. ओके सी हियर BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 17 आपण फाइंड केलेला आहे. CD इज इक्वल टू 18 हे सुद्धा फाइंड केलेला आहे. सो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. 17 स्क्वायर इज 289. 8 square is 64. 289 minus 64 is 225. So BC square is equal to 225. BC square is equal to 225. So taking square root of both sides, length BC is equal to square root 225. And square root 225 is square root of 225 is 15 centimeter because 15 ka square kitna hai 225. So BC is equal to 15. So next exercise. Okay. आता आपण काय करूया ही exercise solve करूया. So question number 1. Length of adjacent sides of rectangles are 6 cm and 8 cm respectively. Find the length of remaining side. आपले remaining side find करायचे. So first draw the figure. आपण first answer find करतोय. First draw the figure means rectangle draw karayche. Okay, name A B C D. A B C D angle A is equal to 90, B 90, C 90, D 90. Okay, so let suppose A B is equal to 6 and B C is equal to 8. Aplya don side dilele ahet adjacent side. A B is equal to kiti ghetla apan 6 and BC is equal to 8. So the apply answer lies a quadrilateral ABCD is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle. First line. Next, opposite side of quadrilaterals are congruent. Opposite sides of quadrilaterals are congruent. So therefore AB is equal to CD. AB is equal to CD. Therefore AB is equal to CD. Okay. So AB is equal to 6. So CD is equal to 6 cm. Next, BC is equal to 8. Is equal to 8. BC 8 है. तो AD भी कितना रहेगा? 8. Okay. So answer, find the length of remaining side.
So lengths of remaining sides are 6 cm and 8 cm. 6 cm and 8 cm. Got it? So next. Question number 2. Length of one diagonal of a rectangle is 26 cm. What is the length of another diagonal? Simple question. Start answer. Diagonals, length of diagonals of rectangles are equal. So diagonals, the diagonals of rectangles are congruent. Diagonals of rectangles are, technically, diagonals of rectangles are congruent. So length of one diagonal is 26. Length of one diagonal is 26. Therefore, length of another diagonal is 26. Diagonal kashe astat? Equal astat. One diagonal 26 hai. So second diagonal bhi kitna rahega? 26. Got it? Okay. See here. This figure. A figure draw keli nahi tari chalel. Okay. A diagonal. Suppose AC is equal to 26 hai. So BD bhi kitna rahega? 26. Okay. So ya prakar apan day 25 complete solve kelila ahe kiwa study kelila ahe. Thank you.